रामनवमी के उपलक्ष्य में आज नगर में कई स्थानों पर धार्मिक आयोजन किए हो रहे हैं। इसी क्रम में आज आलोक संस्थान में आप देखें कि आज भव्य कार्यक्रम जो है हो रहा है, पोस्टर विमोचन है। भगवान श्री राम मंदिर आलोक संस्थान से सीधा दृश्य। आज है रामनवमी, सभी उदयपुर और उदयपुर वासियों में आम जनता, उदयपुर और भारत के सभी देशवासियों से मैं सबको शुभकामनाएं देता हूँ। रामनवमी के उस अवसर पे आज जो है इतना अच्छा भव्य आरती का प्रोग्राम रखा आलोक संस्थान में उदयपुर में, जो इसके लिए हम सबको बड़ा गौरवान्वित महसूस होता है और सभी लोगों को बहुत बहुत आज के इस नवरात्रि शुभ और पे शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। वास्तव में रामनवमी के शुभ अवसर पर साक्षात भगवान राम अयोध्या से यहाँ उदयपुर पधार गए।
वास्तव में ऐसा प्रतीत होता है कि हमारे जन्म जन्मों के पाप वास्तव में धुल गए। ये रामनवमी पर भगवान राम का ही प्रतिफल है। देखिए आज हम लोग सभी पूरे भारतवर्ष ही नहीं, एक एक गली मोहल्ला आज इसके लिए धन्यदान हो रहा है। इस अवसर पर प्रभु श्री राम रामनवमी के अवसर पर सभी को बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। रामनवमी के उपलक्ष्य में आज आलोक संस्थान श्री राम मंदिर से सीधा दृश्य आप देख पा रहे हैं, जहाँ रामनवमी के उपलक्ष्य में भक्तों की भारी संख्या, बालाजी का सुंदर मंदिर और आतिशबाजी के साथ आज बालाजी जयंती के उपलक्ष्य में नगर में 8-9 दिवसीय कार्यक्रम का आगाज जो है आज होने वाला है। तो आलोक संस्थान से आप सीधा देख रहे हैं श्री राम मंदिर करते हुए आपको दृश्य दिखा रहे हैं कि आज रामनवमी के उपलक्ष्य में बड़ी संख्या में दर्शनार्थी यहाँ मौजूद है। आज आलोक सेक्टर 11 स्थित श्री अयोध्या धाम श्री राम मंदिर के अंदर आज रामनवमी का आयोजन यहाँ पर बड़ी गौरवमयी और बड़े भव्य तरीके से यहाँ पर किया जा रहा है। और आज पहली बार उदयपुर वासियों को बालक राम के यथा स्वरूप जो अयोध्या में स्थापित है उसी का यथा स्वरूप यहाँ पर स्थापना की गई है। आप जाकर देखिए, बिल्कुल एज इट इज, एक सूट भर का भी कोई फर्क नहीं है, आप उसको देखिए, उसका दर्शन लाभ लें। श्री राम मंदिर आराम से दर्शन करें, धक्का मुक्की ये करें, सभी आराम से दर्शन करें, सभी को दर्शन होंगे। रामनवमी के उपलक्ष्य में आप देख पा रहे हैं कि आज भगवान श्री राम मंदिर, बालाजी मंदिर, जहाँ जहाँ आप विश्व के कोने कोने में देखेंगे जहाँ मंदिर है वहाँ इस प्रकार से आपको सनातन सेवा करते पूजा करते हुए दिखाई देंगे, एक दूसरे को बधाई शुभकामनाएं देते हुए आपको दिखाई देंगे। ये दृश्य सनातनों के लिए बहुत ही धार्मिक दृश्य है, सुंदर दृश्य है। इस प्रकार से धार्मिक आयोजन होते हैं और सभी का मिलन होता है, नाच गाने नृत्य जो है वो होते हैं। हिंदू संस्कृति और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की गाथाएं, रामायण, महाभारत, गीता, पुराण सभी जो है हमारे देश में गाई जाती है। और सभी प्रसंगों पर आज भी हमारी माताएं, बहने, भाई, बच्चे हर हर्षोल्लास से आनंद लेते हैं हमारे सभी त्योहार।
होली, दिवाली, दशहरा जितने भी त्यौहार होते हैं उसमें भी हम सब भाईचारे के साथ मिलते हैं। हमारे लिए ये और भी महत्वपूर्ण संस्कृति का पार्ट है। संस्कृति हमारी जीवित रहे उसके लिए सनातनी पूरे प्रयास करते हैं। श्री राम मंदिर आलोक का ये दृश्य है जहाँ होता है मेरे नृत्य के साथ मोल के जंगल के साथ और श्री राम लक्ष्मण आज राम नवमी है उस उपलक्ष में आज आलोक स्कूल में प्रोग्राम मना रहे हैं और यहाँ पे बहुत साक्षात राम भगवान आ गए हैं जो अयोध्या नगरी यही बस गई है और हम आज बजरंग सेना मेवाड़ की तरफ से पोस्टर विमोचन कर रहे हैं। आगामी 22 तारीख को शोभा यात्रा निकलेगी हनुमान जन्म उत्सव की, उस उपलक्ष में यहाँ पे पोस्टर विमोचन भी होगा। धन्यवाद। आप देखिए कि आज इस कार्यक्रम में नगर के उद्योगपति पहुंचे हैं, सभी सनातनी इस कार्यक्रम में हर्षोल्लास के साथ आनंद लेते हैं। यहाँ की तस्वीरें आप देखें बहुत ही सुंदर, मामे के धर्म और संस्कृति को जोड़ बनवाता है, कितनी हर्षोल्लास के साथ आता है पहने नृत्य करना, अच्छे कपड़े पहनना, आज यहाँ पोस्टर विमोचन का कार्यक्रम, चूंकि इस वर्ष राम को समर्पित वर्ष है और यहाँ बालक राम की स्थापना एक तरह से अयोध्या उदयपुर के अयोध्या आलोक संस्थान श्री राम मंदिर में हुई है और भजन सेना प्रतिवर्ष यही से पोस्टर विमोचन से अपने 7 दिवसीय कार्यक्रमों का शुभारंभ करती है। 22 तारीख को हमारी भजन सेना की जो हनुमान जयंती के कार्यक्रम है उसकी पूर्व संध्या पर उदयपुर में एक भव्य शोभा यात्रा निकलेगी, उसी के अंतर्गत इसका पोस्टर का विमोचन हुआ। आदरणीय सच्चान साहब और हमारे बजरंग सेना के संस्थापक भाई कमलेंद्र जी इस कार्यक्रम को पूरी शिद्दत के साथ, पूरी तन्मयता के साथ, पूरे उत्साह के साथ,
पूरे उमंग के साथ और पूरे जोश और खरोश हनुमान जी के पराक्रम के साथ इस यात्रा को निकालते हैं। और आज उदयपुर में आज बहुत ही उत्तम वातावरण है, जब बालक राम यहाँ हमारे राम मंदिर में पधारे हैं, तो सभी को रामनवमी की शुभकामनाएं और बजरंग सेना के 7 दिवसीय कार्यक्रमों में आप जुड़े, इतने आत्मिक निवेदन। जय श्री राम। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज रामनवमी के शुभ अवसर पर बजरंग सेना के 7 दिवसीय कार्यक्रम प्रारंभ हुए। उसी कड़ी में आलोक स्कूल में साक्षात प्रभु श्री राम की मूर्ति के समक्ष आज हमने यहाँ पोस्टर विमोचन का कार्यक्रम किया है। इसका आगाज करते हुए हम लोग आगामी 22 तारीख को पूरे जोश खरोश के साथ भव्य शोभा यात्रा का आयोजन करते हुए हनुमान जी महाराज और प्रभु श्री राम से प्रार्थना करेंगे कि हमारा पूरा भारतवर्ष धन्य धान्य से भरपूर हो, स्वस्थ हो, सुखी हो, इसी का हमारे साथ आप सबको जय श्री राम। इसके उपलक्ष में रामनवमी की आज शुभ रामनवमी के उपलक्ष में हम सभी उदयपुर वासी एवं देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं, क्योंकि और बाकी चीज जो है कमलेंद्र जी भाई साहब और प्रदीप जी भाई साहब ने सारी बताई दिया है। और इस पोस्टर विमोचन पे आज रामनवमी के उपलक्ष में सबको मैं बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद देता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। सभी के लिए गौरव का विषय है कि आज हूबहू मूर्ति जो अयोध्या में स्थापित हुई है, आप देख सकते हैं प्रभु श्री राम लला की मूर्ति आज यहाँ पे प्रभु श्री राम मंदिर आलोक में स्थापित हुई। उसका श्रेय हमारे आलोक के कर्म गुरु निदेशक आलोक गुरुकुल परिवार निदेशक डॉक्टर प्रदीप जी कुमार, हमारे साथ में पंडित रतन जी पालीवाल सर है जो इस श्री राम मंदिर के प्रमुख पुजारी है, परिवार सदस्य है, इनको भी बहुत बधाई की प्रभु श्री राम लला इनके यहाँ पे आज पधार गए हैं। बोले प्रभु श्री रामचंद्र भगवान की जय। आप देख सकते हैं किस तरह से उत्साह है दर्शकों के, प्रभु श्री राम लला के आने पर आप उत्साह मना रहे हैं। श्री राम नवमी की आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। राम जी ने साक्षात हमें यहाँ पर दर्शन किए हैं उदयपुर में, श्री राम जी की हूबहू मूर्ति का दर्शन आगे क्या है।